ये तो पूरा गया है, उसका हैंडल वैंडल सब कुछ गया है। तो क्या हाल है सबके? तो आई होप सब बढ़िया होंगे। और फिलहाल तो भाई हमारे साथ गलत सीन हो गया था एक दिन, जिस दिन हम राइड पे गए उसी दिन सीन हुआ था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या सीन हुआ था। मतलब जस्ट हम वहाँ से बाइक क्या बोलते हैं अपनी बाइक निकाल रहा था और जब खतरनाक सा क्रैश हो गया था, मतलब इसने तो कंट्रोल कर लिया था बट उस बंदे से कंट्रोल नहीं हुआ, वो सीधा आके उसने ना बॉडी पे लगा दिया, यहाँ पे पूरी बॉडी है ना, वीडियो में दिखा दूंगा पूरी बॉडी यहाँ से क्रैश हो गई। और साउंड एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रिकॉर्ड करने दो, खतरनाक साउंड है भाई। इसकी साउंड आएगी तो फिर मेरी साउंड नहीं आएगी। फिलहाल तो यहाँ में चलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह पूरी क्लेम वगैरह हमने उनसे बात बूत करके मतलब बहुत मुश्किल के साथ मतलब सिस्टम सेट किया उनके साथ, बट फिलहाल तो चलते हैं जल्दी से उनके पास और पूछते हैं क्या सीन है, क्योंकि बाइक हमारी पूरी ओके हो चुकी है। बाकी वीडियो में आपको दिख रही होगी कितनी टूटी है, कितनी टूटी आप जाके देख सकते हो। और भाई इसकी फेयरिंग इतनी ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा लूज है ना, क्या बताऊँ, थोड़ा सा भी टच होगा समझो भाई। चलें तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अपने यामा के शोरूम के बाहर, वो अपनी बाइक दिखाते हैं आपको, टोटल लॉस जो हो रखी थी फिलहाल तो ठीक हो चुकी है। चलो फिर तो भाई फाइनली हमारा सब कुछ, जो लाइट वगैरह हेडलाइट थी वो भी ख़राब हो गई थी, वो भी चेंज करनी पड़ी हमें। अब जो ये सामान है ये सब तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस लेना, तो आपको इसको तोड़ के इसकी वीडियो बना के सेंड करोगे, फिर ही जाके वो आपको इंश्योरेंस देंगे। वही हो गई, वही है टोटल लॉस, ये तो पूरा गया है, इसका हैंडल वैंडल सब टूट गया, टोटल छट गया, तो पूरा लॉस है। और ये रही भाई, ये देखो भाई पहले क्या हाल था, पिछली थोड़ी सी वीडियो में देखो क्या हाल था इसका, और अब देखो सेट हो गई है पूरी। वैसे तो नया ही लग रहा है, वैसे सीन हो रखा, थोड़ा सा पहले क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो पूरा ओके भाई साहब, आप सामने देख रहे हो हमारी बाइक वाइक ठीक हो चुकी है। और ये देखो ये जो चीज़ है इसकी पूरी चेंज हो रखी है, लाइट चेंज हो रखी है, और ये सब चीज़ें मतलब ये जो टूटी थी ना सब चेंज हो गया भाई। क्या हालत हो गई थी, मतलब रॉन्ग साइड से बंदा आ गया ना, मतलब पूरा ठोक गया था और बहुत ही गलत सीन हो गया था। और फाइनली गाइस मतलब ठीक हो गई। R15 लेते हो ना तो समझ लो कि अगर आपकी फेयरिंग में कुछ भी टच हुआ ना, कुछ ज़ोर से टच हुआ तो समझ लो आपकी फेयरिंग गई। इसकी इतनी सॉलिड फेयरिंग नहीं है अभी, इतनी मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि जस्ट बंदे का मतलब टायर यहाँ पर टच हुआ था शायद, पता नहीं ऐसा कुछ सीन हुआ था। ये चीज़ें मतलब यार बाहर आ गई थी पूरी की पूरी, ख़राब हो गई थी, टूट गई थी मतलब एक किस्म से, आप देख सकते हो वीडियो में। और फाइनली ठीक हो चुकी है। बाकी मतलब दिल से इतना बुरा लगा था क्या बताऊँ, मतलब नई बाइक थी, अभी महीना भी नहीं हुआ, मतलब हमने साथ ही लिया था, इसने मेरे से एक महीना पहले ली थी और मैंने एक महीना बाद में ली थी, बट ठीक हो गई, मतलब ठीक हो गई, बहुत खुशी वाली बात है। और फिलहाल तो अब जो है ब्लॉग्स आते रहेंगे, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बंद कर दिए थे क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि ऐसा कुछ सीन हो गया था ना। चलो कोई नहीं, अब से ब्लॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी वॉच टाइम तुम्हारा बाइक का थोड़ा सा वॉच टाइम रहता है, जल्दी से मेरी वीडियोज़ वगैरह पुरानी वीडियोज़ देखो जाके यार, थोड़ा सा वॉच टाइम दो अपने बाइक को, एंड फिर मिलता हूँ आपको। और फिलहाल तो